राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह की अध्यक्षता में महिलाओं की उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से महिला जनसुनवाई व समीक्षा बैठक आयोजन बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में किया गया। जनसुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी रजनीश चंद्र सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह की अगुवाई में आयोजित जनसुनवाई में 2 जमीनी विवाद और 6 दहेज उत्पीड़न मामले का सुलह समझौते से निस्तारण किया गया। जनसुनवाई के पूर्व भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य चंदा सिंह, अर्चना सिंह, निहारिका, ममता जायसवाल, पद्मा गुप्ता सहित कई अन्य कार्यकर्त्रियों ने राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह को बुके भेंटकर और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह ने कहा, उसके माध्यम से भी कई बेटियों को पहले लोग कहीं ना कहीं भार समझने की स्थिति में थे, लेकिन काम किया गया है जिसके माध्यम से ये बेटी और नारी ही समाज निर्माण की कुंजी है। यही बात कि भाई जो भी बड़े महापुरुष पैदा हुए या कोई भी समाज नारी से ही पैदा हुआ है, तो नारी का सम्मान और सृष्टि की शुरुआत नारी से ही है। तो महिला आयोग राज्य महिला आयोग का प्रत्येक महीने के प्रथम बुधवार को जन सुनवाई महिलाओं की समस्या सुनी जाती है। इस प्रकार से मैं आज गोरखपुर में ये कार्यक्रम मेरा लगा हुआ। बहरहाल इस शासन में तो महिलाओं की समस्या कम हुई, जैसे तमाम छिनैती तमाम अखबार भरे पड़े रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हम महिलाओं की समस्या का समाधान में जुट करके जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे सामने और आप लोगों के सामने है कि कहीं ना कहीं समस्याओं में कमी आ रही है। महिलाएं जागरूक हुई हैं और महिलाएं अपने कर्तव्यों के प्रति भी काफ़ी सजग हैं, इस नाते महिलाओं की समस्या में कमी आई। तरह तरह की बहुत ऐसी समस्याएं हैं, घरेलू हिंसा है, उत्पीड़न है और वैसे भाई छेड़खानी की भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कहीं ना कहीं ऐसी भी बातें इक्का दुक्का दिखाई पड़ जाता है। लेकिन ख़ास करके घरेलू मैं आयोग में हमारे सबसे ज़्यादा मुस्लिम परिवारों की महिलाओं के साथ में देख रही हूँ कि ऐसी समस्या है, जहाँ मैं देख रही हूँ कम से कम 70% महिलाएं मुस्लिम महिलाओं के साथ ये तमाम ऐसी घरेलू प्रताड़ना कैसे निवारण करती हैं। अब इसके लिए हम लोग लगे हैं और वास्तव में महिलाएं जागरूक हुई हैं इस दिशा में। इधर 3 तलाक के माध्यम से भी मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी जागरूकता मिली है और उनको इन समस्या से कुछ लड़ने का एक ताकत मिला है। और जो बहनें हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें परिवारों में हो रहा है जिसको भाई महिलाएं, हम तो इसीलिए लगे हुए हैं हमारे पूरे महिला आयोग की महिलाएं जो सदस्य हैं लगी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जा करके हम इस तरह की समस्या का समाधान करें और महिलाओं को जागरूक करें, महिलाएं स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के और हर तरह से मजबूती हासिल करें तो निश्चित रूप से इन समस्या का समाधान हो जाएगा।